मुझे एक बात बतानी सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका मेकअप कौन करता है? इतना हसीन हर दफा खुद करती हूँ। आपने किससे सीखा इतना अच्छा? शर्मिला से। हाँ वो भी कितना अच्छा मेकअप करती है। और आपकी ड्रेसिंग, ज्वेलरी हमेशा इतनी जबरदस्त होती है, इतनी आप एफर्ट करती हैं, ये मेरा आपको शौक है? बचपन से था, बचपन से था। आप किसी बड़े को जो हमें सिखाया गया है, आप उनको खुश कैसे कर सकते हैं? उनकी तारीफ करके, उनको वक्त दे के, उनको इम्पोर्टेंस दे के, हमें यही सिखाया गया। और मैंने उनसे, अब मैं उनसे क्या पूछूंगी, पूछूं कि जी आपके ये ब्यूटी के अकाउंट्स का बैलेंस क्या है, आपका क्या है, कुछ इस तरह की बातें करती, पर्सनल बातें करती? नहीं, मैंने उनसे वो बात की जो कि उनको खुश कर देती। आपका और यही होता है, आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, दिल पे हाथ रखिए, आप किसी से मिलते हैं आप क्या कहते हैं? हम किसी शादी पे जाते हैं, हम कहते हैं आंटी कितना प्यारा ड्रेस पहना है, अब हम ये नहीं कहते, लेडीज ऐसी कहती हैं, आपका मेकअप कितना अच्छा, आपके बाल कितने अच्छे बने हुए हैं, आप मैंने भी बनाने हैं वहां से, अच्छा आप मेकअप आपने कहां से सीखा, किसने किया, किस पार्लर में गई थी, हम यही पूछते हैं ना। मैं और क्या पूछूं उनसे? तो मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव, और एक और बात बताऊं, वाकई दिल से मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच बताऊं मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लेडीज जो हर एज में अपना ख्याल रखती है। फैसल भी हमेशा यही कहते हैं कि अपना तैयार होना, बनना संवरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देखा देखो लाल जोड़े में मेकअप करके एफर्ट किए उन्होंने, आई हैं वो अकेली हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया और वो ईमान से बड़ी खुश हूं। आप लोग पहले वीडियो तो देखिए, जाके वीडियो में अल्फाज देखिए जो मैंने किसी के लिए, अगर उनके लिए इस्तेमाल किए हैं, उसमें एक ऑफेंसिव वर्ड, ठीक है, आप उसमें से ढूंढ लेंगे, ये लफ्ज खराब था, क्योंकि इन्हीं चीजों पे इख्तलाफ हो सकता है,